नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से वीडियो लेकर आया। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं दोस्तों, दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव एंड माय एमटीएस पोस्ट आप लोग को फाइनली रिलीज कर दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आप लोग को एसएससी की तरफ से आप लोग को पटाया हुआ एसएससी तो आप लोग सॉरी दिल्ली पुलिस तो आप लोग को एसएससी की तरफ से उन लोग रिक्रूटमेंट लिया जाता है। डायरेक्ट दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट नहीं होता है, एसएससी के अंदर उन लोग रिक्रूटमेंट होता है दोस्तों। फाइनली तो एसएससी की तरफ से फाइनली सॉरी दिल्ली पुलिस की तरफ से फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है दोस्तों। दोस्तों इसमें से आप लोग को टोटल पोस्ट देने को मिलेगा 8,435 पोस्ट आप लोग को टोटल पोस्ट देने को मिलेगा। दोनों मिले के पोस्ट नेम आप लोग को मिलेगा दोस्तों, दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव पोस्ट आप लोग को मिलेगा, उसके बाद दिल्ली पुलिस मल्टीटास्किंग स्टाफ आप लोग को पोस्ट देने को मिलेगा। ये किसी भी राज्य से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप लोग को इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब है, ये एसएससी की तरफ से उन लोग रिक्रूटमेंट लिया जाएगा दोस्तों। इसका लास्ट डेट अप्लाई डेट होने वाला है दोस्तों 30/9/2023। तो दोस्तों आप लोग को बिलीव करने के लिए, विश्वास करने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग को पहले आप लोग को टेकाता हूँ, उसके बाद अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोग को दूंगा, आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आप लोग को दिखाता हूँ पहले आप लोग को बिलीव करने के लिए। तो दोस्तों देख सकते हो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है दोस्तों, अगर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना चाहते हो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। देख सकते हो ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर डीआई का मतलब डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रिक्रूटमेंट दिल्ली आप लोग को दोस्तों देख सकते हो, न्यू दिल्ली न्यू पुलिस लाइन्स किंग्सवे कैंप दिल्ली, इसका नंबर भी दिया गया है दोस्तों। इस पर आप लोग को देख सकते हो दोस्तों उन लोग 10/2023 उन लोग ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया, एडवर्टाइजमेंट नंबर भी देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों इस पर आप लोग को ये सब आप लोग को देखना चाहते हो तो देख सकते हो दोस्तों, रेफरेंस नंबर भी देख सकते हो, इस पर भी आप लोग को दोस्तों देख सकते हो। एप्लीकेशन डेट दोस्तों देख सकते हो, एप्लीकेशन डेट 26 फरवरी 2023, इस पर आप लोग को दोस्तों देख सकते हो। लेकिन इसमें थोड़ा ऑफिशियल का प्रॉब्लम हो सकता है, इसका प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए अप्लाई अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है दोस्तों। इस पर आप लोग को पोस्ट में मैंने बताया था दोस्तों, इस पर आप लोग को मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। देख सकते हो इस पर दोनों पोस्ट के लिए उन लोग डिवाइड कर दिया गया दोस्तों, टेंटेटिव 7 दोस्तों देख सकते हो, 5056 मेल और टोटल मिला के दोस्तों 7547 पोस्ट आप लोग को टोटल एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आप लोग को दोस्तों देखने को मिलेगा एग्जीक्यूटिव। उसका साथ साथ आप लोग उन लोग फिर से डिवाइड कर दिया गया दोस्तों मेल एंड फीमेल के लिए दोस्तों। इस पर आप लोग को सारी आप लोग को पहले मैं आप लोग को ये विश्वास करने के लिए मैं आप लोग को देखा दोस्तों। इस पर आप लोग को एमटीएस का मतलब मल्टीटास्किंग सिविलियन दिल्ली पुलिस आप लोग को पोस्ट में देखने को मिलेगा, उसका बाद एग्जीक्यूटिव दोस्तों कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पोस्ट आप लोग को भी देखने को मिलेगा दोस्तों। इस पर आप लोग को तो दोस्तों ये ऑनलाइन अप्लाई कब से कब तक ऑनलाइन अप्लाई चलने वाला है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, इसी जानकारी में सारी जानकारी में इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं तो दोस्तों। तो चलो दोस्तों वीडियो बिना स्किप करके एंड तक देखते रहना और बने रहना दोस्तों। मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जिस चैनल आप देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में आप लोग को भी देखने को मिलते रहेगा और पूछते रहेगा, और दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना क्योंकि ये वीडियो देने के बाद उनको भी अप्लाई कर सकता है। तो चलो वीडियो बिना टाइम वेस्ट करके चलो आगे बढ़ते हैं और वीडियो बने रहना। तो दोस्तों फाइनली फिर से मैं आ चुका दोस्तों, उन लोग मैंने बताया था दिल्ली पुलिस उन लोग एसएससी अंदर की तरफ से रिक्रूटमेंट लिया जाएगा दोस्तों। देख सकते हो इनका ऑर्गेनाइजेशन एसएससी है लेकिन दिल्ली पुलिस में उन लोग पोस्टिंग दिया जाएगा। तो चलो इसका लास्ट डेट होने वाला 30/9/2023 लास्ट डेट होने वाला है। वैकेंसी की बात करेगा दोस्तों 8,433 पोस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों। पोस्ट नेम मिलेगा दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पोस्ट नेम को मिलेगा, दिल्ली पुलिस सिविलियन मल्टीटास्किंग स्टाफ आप लोग को पोस्ट नेम देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन में करवा ऑनलाइन में एकदम से आप लोग को अप्लाई करना होगा दोस्तों। गवर्नमेंट जॉब की बात करेगा तो दोस्तों आप लोग को पढ़ाएगा दिल्ली पुलिस आपको पढ़ाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ये किसी भी राज्य से किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हो दोस्तों। एग्जाम सेंटर भी होगा दोस्तों आप लोग को एसएससी तो आप लोग को पता ही होगा एसएससी के एग्जाम के सेंटर जहाँ पे आपका एरिया में आपका लेवल में अपना एरिया का एग्जाम सेंटर होता है एसएससी का, इसी जगह में ये दिल्ली पुलिस सिविलियन एग्जीक्यूटिव पोस्ट का भी उसी जगह में हम लोग का एग्जाम सेंटर होने वाला है दोस्तों रिटर्न का। इसके लिए उन लोग फिर से डिवाइड कर दोस्तों पोस्ट नेम दोस्तों देख सकते हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 7547 पोस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन इनमें से आप लोग को दोनों मेल एंड फीमेल हिसाब से उन लोग उसका साथ साथ आप लोग को कैटेगरी वाइज से उन लोग फिर से डिवाइड कर दिए गए। वो कैटेगरी वाइज से किस कैटेगरी वाइज में आप बिलोंग करते हो तो आप लोग को ध्यान से देख लेना दोस्तों। दोनों अप्लाई कर सकते हो मेल एंड फीमेल दोस्तों। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मेल के 3053 पोस्ट देखने को मिलेगा और फीमेल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फीमेल के लिए 1502 पोस्ट देखने को मिलेगा। अगर ओबीसी टोटल आप लोग ओबीसी मेल के लिए 287 पोस्ट मिलेगा और फीमेल के लिए
142 पोस्ट देने को मिलेगा फीमेल के लिए। दोस्तों बात आती है दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए, मेल के लिए दोस्तों 542 पोस्ट देने को मिलेगा और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए दोस्तों 268 पोस्ट देने को मिलेगा। एससी कैटेगरी की बात करेगा दोस्तों, मेल एससी कैटेगरी के लिए 872 पोस्ट देने को मिलेगा और फीमेल एससी कैटेगरी के लिए 429 पोस्ट देने को मिलेगा। एसटी कैटेगरी के लिए दोस्तों मेल के लिए 302 पोस्ट देने को मिलेगा, फीमेल के लिए 150 पोस्ट देने को मिलेगा। टोटल मिला के दोस्तों मेल के लिए पोस्ट देने को मिलेगा 5056 पोस्ट मिलेगा और टोटल मिला के फीमेल कैंडिडेट के लिए 2491 पोस्ट देने को मिलेगा। तो बात आती है दोस्तों किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, तो आप मेल है फीमेल आपको जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना दोस्तों। आप किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो और मेल है फीमेल हो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना दोस्तों। तो बात आती है दोस्तों इस पर फिर से आप लोग को देख सकते हो मल्टीटास्किंग स्टाफ का, मल्टीटास्किंग सिविलियन दिल्ली पुलिस का आप लोग को टोटल पोस्ट देने को मिलेगा 888 पोस्ट देने को मिलेगा। लेकिन इनमें से आप लोग को मेल एंड फीमेल कैटेगरी वाइज से फिर से डिवाइड कर दिया गया है दोस्तों, उसका साथ साथ कैटेगरी वाइज से फिर से उन लोग डिवाइड कर दिया गया है दोस्तों। इस पर आप लोग को देख सकते हो इनमें से कैटेगरी वाइज से दिया गया फुल डिटेल इसमें से नहीं दिया है दोस्तों। इस पर आप लोग को देने को मिलेगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दोस्तों 407 पोस्ट देने को मिलेगा, ओबीसी के लिए 272 पोस्ट देने को मिलेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों 88 पोस्ट देने को मिलेगा, एससी कैटेगरी के लिए 58 पोस्ट देने को मिलेगा, एसटी कैटेगरी के लिए 61 पोस्ट देने को मिलेगा। टोटल मिला के 888 पोस्ट आप लोग को देखने को मिलेगा। तो बात आती है दोस्तों इसमें एज लिमिट की बात करेगा तो दोस्तों इस पर एज लिमिट की बात करेगा तो दोस्तों दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों 18 ईयर से लेकर 25 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, उसका साथ साथ आप लोग को गवर्नमेंट हिसाब से एज रिडक्शन मिलेगा दोस्तों। बात आती है दोस्तों एमटीएस मल्टीटास्किंग सिविलियन पोस्ट के लिए आप अगर अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों 18 ईयर से लेकर दोस्तों 27 ईयर तक अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, उसका साथ साथ आप लोग को गवर्नमेंट हिसाब से आप लोग को एज रिडक्शन मिलने वाला है दोस्तों। अगर एससी एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हो दोस्तों 5 ईयर एज रिडक्शन मिलेगा दोस्तों। बात आती है दोस्तों ओबीसी ईडब्ल्यू जनरल कैंडिडेट के 3 ईयर आप लोग को एज रिडक्शन मिलने वाले दोस्तों। बात आती है दोस्तों एप्लीकेशन फीस के बात कर, अगर जनरल के लिए दोस्तों जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज आप लोग को ऑनलाइन में एकदम से पे करना होगा दोस्तों, जैसे कि आप लोग को एसएससी जैसे अप्लाई करने के बाद आप लोग को पेमेंट करते हैं सेम इसी तरह आप लोग को पेमेंट करना होगा दोस्तों। ओबीसी के लिए 100 रुपीज, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज और एससी एसटी कैटेगरी के लिए नील है और फीमेल के लिए नील है, वोमेन मतलब किसी भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो तो फीमेल के लिए तो एप्लीकेशन फीस नहीं है, जीरो है दोस्तों। बात आती है दोस्तों एप्लीकेशन मत आप लोग को पेमेंट करने के लिए आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई भी आप लोग को बहुत सारा देखने को मिलेगा। बात आती है दोस्तों आप लोग को क्वालिफिकेशन की बात करेगा तो दोस्तों दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव पोस्ट अगर अप्लाई करना चाहते हो दोस्त क्लास 12 पास होना जरूरी है किसी भी बोर्ड से, स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो जो भी हो आप लोग को दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों क्लास 12 पास होना जरूरी है। इसमें कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, इसमें सिंपल क्लास 12 पास होने से भी दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों मल्टीटास्किंग स्टाफ सिविलियन पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों 10 पास होना जरूरी है किसी बोर्ड होने से सेंट्रल हो स्टेट हो आपको क्लास 10 पास होना जरूरी है, इसमें कोई परसेंटेज नहीं चाहिए दोस्तों। सिंपल क्लास 10 पास होने से भी मल्टीटास्किंग सिविलियन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। बात आती है दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करेगा तो दोस्तों आप लोग को पता होगा दोस्तों इसमें से पुलिस फोर्स है आप लोग को दिल्ली पुलिस फोर्स इसमें हाइट चेस आप लोग को बताने वाला दोस्तों। देख सकते हो हाइट की बात करेगा तो मेल के लिए दोस्तों 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 cm आप लोग को देखने को मिलेगा। चेस की बात करेगा तो नॉर्मल में 76 है और एक्सपेंशन करके फीमेल के लिए तो चेस नहीं है दोस्तों। बात आती है पीईटी की बात करते हो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करेगा तो रनिंग होगा दोस्तों मेल के लिए आप लोग को 1.6 km/100 meter आप लोग को रनिंग होगा विद इन 6 मिनट में आप लोग को कंप्लीट करना होगा दोस्तों। और बात आती है फीमेल के बात करेगा तो 1.6 km रनिंग होगा विद इन 8 मिनट में आप लोग को कंप्लीट करना होगा दोस्तों। लॉन्ग जंप के बात करेगा तो मेल के लिए दोस्तों लॉन्ग जंप 14 feet आप लोग को लॉन्ग जंप करना होगा दोस्तों और फीमेल के लिए 10 feet आप लोग को लॉन्ग जंप करना होगा दोस्तों। बात आती है हाई जंप के बात करेगा 3 feet आप लोग को हाई जंप करना होगा, आप लोग को 3 feet 9 inches आप लोग को देने को मिलेगा मेल के लिए और फीमेल के लिए आप लोग को 3 feet आप लोग को हाई जंप करना होगा दोस्तों। बात आती है एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेगा तो आप लोग को पता होगा पहले आप लोग को सीबीटी का मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोस्तों, इसमें आप लोग को जैसे आप लोग को एसएससी एग्जाम देते हो सेम इसी तरह इसमें कोई डिफरेंस नहीं, सेम इसी तरह एसएससी जैसे आप लोग एग्जाम देते हो सेम इसी तरह होगा दोस्तों। ये तो एसएससी के अंदर ही रिक्रूटमेंट होता है, रिक्रूटमेंट कम सिलेक्शन होने के बाद उन लोग दिल्ली पुलिस में आप लोग को पोस्टिंग दिया जाएगा है आप लोग को पता होगा दोस्तों। तो एग्जाम की बात करेगा तो टाइम आप लोग को 2 hours मिलेगा, 2 घंटा आप लोग को 100 क्वेश्चन आएगा, 100 मार्क मिलेगा, इसमें आप लोग को नेगेटिव मार्क आप लोग को मिलेगा दोस्तों 1.4 मार्क आप लोग को देखने को मिलेगा।
देख सकते हो सिलेबस की बात करेगा दोस्तों, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के लिए आप लोग को 50 क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क मिलेगा दोस्तों। रीजनिंग के लिए दोस्तों आप लोग को 25 क्वेश्चन आएगा, 25 मार्क मिलेगा दोस्तों। मैथ्स के लिए 15 क्वेश्चन आएगा, 15 मार्क मिलेगा। कंप्यूटर रिलेटेड के बारे में आप लोग को 10 क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क ही आप लोग को मिलेगा। तो दोस्तों बात आती है अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना, ये दोस्तों बात आती है ऑनलाइन अप्लाई की बात करेंगे तो ऑनलाइन, ये ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो रहा है 1/9/2023 से, ऑनलाइन 1 सितंबर 2023 से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा दोस्तों। लास्ट डेट होने वाला है 30 सितंबर 2023 है, ये लास्ट डेट होने वाला है दोस्तों। जब ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा, मैं आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आप लोग को, इस चैनल में आप लोग को प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। इसलिए जरूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो दोस्तों अगर ऑफिशियल, पहले मैंने आप लोग को दिखाया था दोस्तों, अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग को भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों बात आती है दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा दिल्ली पुलिस अच्छा खासा जॉब है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, अच्छा खासा नौकरी जॉब है, तो आप लोग के लिए अगर इंटरेस्टेड है तो जरूर अप्लाई कर लेना दोस्तों। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ लाइक को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में आप लोग को भी देंगे को मिलते रहेगा और पूछते रहेगा। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर।